بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਏ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਫਖਰ ਦੁ ਆਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਸੱਲਾ ਲਿਲਾਹ 40 ਯੌਮਨ ਫੀ ਜਮਾਅਤ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਦਰਿਕੁ ਤਕਬੀਰਤ ਅਲ ਔਲਾ बगैर जमात दे नहीं बल्कि 40 दिन उस तकबीर उला नूं भी फौत नहीं होण दित्ता पहली रकत च आ के वह इमाम साहब दे नाल शामिल होंदा रहा तो नबी अकरम अलैहि सलाम ने फरमाया कि कुतिब लहू बरातान अल्लाह ताला उहदे वास्ते दो बरातां लिख देंदा है दो छुटकारे पहले नंबर ते फरमाया बरातुम मिनन नार कि अल्लाह ताला दोज़ख तों भी निजात दा परवाना उसनूं अता फरमांदा है बबरात मिन निफाक और 40 दिन मुसलसल तसलसल दे नाल नमाज पढ़ने की वजह तो अल्लाह ताला उहदे दिल नूं भी निफाक और हर किस्म की अलाइश तो पाक फरमा देंदा है। 40 दिन चिल्ला इहदा इंसानी जिस्म नूं बदलने च बड़ी तासीर है। मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर ते तशरीफ लै गए तो 40 दिन आपने इतिकाफ फरमाया। पीर सियाल ने जिहड़ा चिल्ला कटिया चिल्ला 40 दिन तो है 40 दिन आपने चिल्ला कटिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया और बकायदा दस्तार बंदी फरमाई। इसे तरह जिहड़ा इंसानी जिस्म है माँ के पेट तैयार होंदा ये भी 40-40 दिन तो बाद तब्दील होंदा है कि 40 दिन तक नुतफा आंदा है उस तो बाद यानी जमे हुआ खून बन जाता है उस तो बाद गोश्त का लोथड़ा बन जाता है और फिर उस तो बाद वो अंदर रूह फूकी जाती इस दे अंदर भी एक बकायदा यानी 40-40 दिन का पीरियड है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस है कि जिसने 40 दिन तसलसल नाल अल्लाह ताला की इबादत की तो अल्लाह जल्ला जलालहू उहदे दिल नू हिकमत नाल भर देंदा है और मैं यो तल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा कुरान ने फरमाया कि जिन्हू हिकमत दे दी गई दनाई दे दी गई पैसा होवे लेकिन अकल सही ना होवे पैसा होवे बंदा दाना ना होवे तो उहदे विच बड़ियां खराबी होंदियां और बंदा अकलमंद होवे दना होवे थोड़ा भी पैसा है तो सही तरीके नाल अपने घर नूं चला सकदा है। तो इसे वास्ते फरमाया मैं यू तल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा कि जिस नूं दनाई दी गई जिस नूं हिकमत दी गई फकद ऊतिया खैरन कसीरा तो उहनूं बड़ा ही खैर कसीर अता फरमाया गया। हज़रत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु दे ज़माना मुबारक एक मर्द किसे औरत दे इश्क मजाजी च गिरफ्तार हो गया। औरत बड़ी अफीफा आई पाक दाम आई नेक खातून आई अपनी इज्जत की मुहाफिजा आई उसनू मर्द नू आख्या वे तू 40 दिन ना फारूक आजम के पिछे नमाज पढ़ गया मस्जिद नबी च फारूक आजम खुद इमाम होंदे आ 40 दिन तक बदस्तूर उस नमाज पढ़ी जो 40 दिन उस नमाज पढ़ी ना तो वो ही जी औरत आई एक दफ़ा मुलाकात हो गई तो उस तवज्जो ही कोई ना की मर्द कि जेड़ा पहले मजाजी इश्क गिरफ्तार आ क्यों कि हुण उहदा इश्क मजाजी उहदा इश्क हकीकी बदल गया बजाय दुनिया नाल दिल लाण दे उस अपना मालिक नाल दिल ला लिया। हज़रत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला नूं इस चीज़ की खबर पहुँची कि मर्द पाक दामन हो गया है तो हज़रत फारूक आजम ने कुरान की आयत तिलावत फरमाई कि सदक अल्लाह व रसूलहू इन्नस्सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर कि अल्लाह ते अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया है कि नमाज ए इंसान नु बुराई और बेहयाई दे कमां तो रोक दिए। बंदा नमाजी होवे तो नमाज पढ़ने की वजह तो कितने ऐसे गुनाह होंगे कि जिन्हें तू अल्लाह करीम इंसान नु छुटकारा अता फरमांदा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्ला जलालहू सानू पंज गाना नमाज बा जमात अदा करन दी तौफीक अता फरमाए।